हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आया हूँ, एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। अक्सर देखिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब कहा जाता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ऐसा लगता है दोनों सेम वर्ड है। ज़्यादातर इंग्लिश में यूज़ करते हैं कि बहुत एक्यूरेट वैल्यू है, बहुत प्रिसाइज वैल्यू है, तो ऐसा फील होता है जैसे दोनों सेम है, बट दोनों सेम नहीं है। चलिए समझते हैं कि आखिर एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या फ़र्क है। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू। आप ट्रू वैल्यू के कितना करीब हैं, हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू का मतलब एक परफेक्ट वैल्यू गिवन है और आप उस ट्रू वैल्यू के कितना करीब हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, इसमें एक और चीज, लेस एरर, अगर एरर कम होगा तो समझ जाइए कि मोर एक्यूरेट वैल्यू है। मोर एक्यूरेट इसका मतलब आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अच्छा, अब इनका ओवरऑल मीनिंग क्या है जरा समझिएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक 1 मीटर का रॉड है, 1 मीटर का, और ये ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू है मतलब परफेक्ट, कंपनी ने लिख के दिया है कि भाई रॉड इतना है। मैंने उसी रॉड को 3 स्टूडेंट को दिया कि भाई इसको मेज़र करके बताओ कितना है। एक ने मेज़र किया 0.97 आया, एक ने मेज़र किया 0.98 आया, एक ने मेज़र किया 0.99 आया, इतना मीटर है, ठीक है। अब आप खुद बताइए, 1 मीटर ट्रू वैल्यू था, ट्रू वैल्यू है ना। अब एक ने 0.97, इसने, अब आप खुद बताइए, एक्यूरेसी कहता है कि लेस एरर, जितनी गलतियां कम होंगी उतना एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट वैल्यू होगा। तो गलतियां सबसे कम किसमें है, इसमें सबसे कम गलती है, इसमें 0.01 का ही डिफरेंस है ना सिर्फ, इसमें 0.02 का, इसमें 0.0, सबसे कम गलती ये है। तो लेस एरर मोर एक्यूरेट, इसका मतलब ये वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इतना क्लियर हुआ, बात समझ में आया। तो एक्यूरेसी पहचानना बहुत सिंपल है। तो याद रखिए, जो वैल्यू, हाउ क्लोज टू ट्रू वैल्यू, इन तीनों में सबसे ज्यादा ट्रू वैल्यू के करीब ये है कि नहीं, तो जितना करीब होंगे आप ट्रू वैल्यू को, उसको बोला जाएगा मोर एक्यूरेट। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है भाई समझना। अब जरा बात कर ले हम लोग एक्यूरेसी की, सॉरी एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन की बात कर ले। प्रिसीजन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत प्रिसाइजली समझना होगा। चलिए जोक्स अपार्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रिसीजन क्या है, ठीक है। देखिए प्रिसीजन का मतलब होता है लिमिट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। अब ये फिजिकल क्वांटिटी वगैरह क्या है ये तो आपको मालूम होगा, लास्ट लेक्चर में सब कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। तो लिमिट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, सारी बातें मैं समझाऊंगा, अभी इसमें देखते रहिए। ये डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट, मतलब प्रिसीजन जो है वो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब ये लीस्ट काउंट क्या है वो भी समझा दूंगा अभी आपको। अच्छा, ये कहता है कि स्मॉलर लीस्ट काउंट, अगर लीस्ट काउंट कम है तो ग्रेटर प्रिसीजन मिलेगा, मतलब प्रिसीजन ज्यादा होगा, ग्रेटर प्रिसीजन। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, एक्यूरेसी सिंपल है, ये थोड़ा मुश्किल होता है समझना। तो लिमिट टू विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई प्रिसीजन की, कि एक ऐसी लिमिट जहां तक हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलर लीस्ट काउंट अगर रहेगा तो ग्रेटर प्रिसीजन। अब लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू, ऐसे लिखो, स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लीस्ट काउंट, ठीक है। चलिए अब पूरा ओवरऑल समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि जब एग्जाम्पल आएगा तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा कि ये है क्या। चलिए देखते हैं, तो प्रिसीजन समझने के लिए मैंने आपसे कहा कि जितना स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है वंस अगेन, और रॉड को मैंने खुद मेजर किया तो आया 1.1 मीटर, मैंने दूसरे एक बंदे को दिया उसने मेजर किया तो आया 1.12 मीटर, मैंने एक तीसरे बंदे को दिया तो आया 1.123 मीटर,
तीन लोगों ने तीन अलग अलग मेजरमेंट दिया। अब आपको बताना कि इसमें सबसे प्रिसाइज कौन है, मोर प्रिसीजन वाला कौन है। चलिए चेक करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 मीटर प्लस 0.1 मीटर, इसको अगर अलग अलग लिखे तो, और इसको भी लिख सकता हूं मैं 1 मीटर प्लस 0.1 मीटर को मैं 1 डेसीमीटर लिख सकता हूं, डेसीमीटर है ना, 1 डेसीमीटर में 0.1 मीटर होता है ना। चलिए उम्मीद करता हूं आपको कन्वर्जन आता होगा। 1.12 मीटर क्या होता है, इसको लिख सकता हूं 1 मीटर प्लस 0.12 मीटर। अगर इसको मैं चेंज करूं तो इसको क्या लिखूंगा, 1 मीटर प्लस 0.1 को मैं लिख सकता हूं 1 डेसीमीटर, और ये 0. और ये 2 मतलब 0.2 आएगा ना, तो उसको मैं लिख सकता हूं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करें तो इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, छोटा मोटा कन्वर्जन तो आना चाहिए। 8 में ही सिखा देते हैं इसको। 1.123 मीटर, इसको चेंज करो तो ये 1 मीटर प्लस 0.123 मीटर। अब इसको जरा लिखो तो यह आया 1 मीटर प्लस 1 डेसीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और प्लस 3 मिलीमीटर। आप खुद चेक कर लीजिए, ये देखिए। अब आप बताइए, ये मैंने चेक किया, ये एक और दूसरे बंदे ने, ये तीसरे बंदे ने, ठीक है। तो सबसे छोटा मतलब किसकी मशीन इतनी अच्छी है कि वो एकदम अंदर जाके छोटी सी छोटी वैल्यू को भी मेजर कर पा रहा है। तो हमारे पास जो मशीन थी, मेरे पास वो देखिए सिर्फ डेसीमीटर तक जा पा रही थी, दूसरे बंदे के पास जो मशीन थी वो सेंटीमीटर तक जा पा रही थी, और तीसरे बंदे के पास जो मशीन है इंस्ट्रूमेंट, तो मिलीमीटर तक जा रही थी। आप चेक कर सकते हैं, मैं डेसीमीटर तक ही गया, अगला सेंटीमीटर, तीसरा जो है मिलीमीटर तक। तो तीसरा बंदा जब मिलीमीटर तक गया, तो मिलीमीटर तो सबसे छोटा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जितने ज्यादा नंबर होंगे, डेसिमल के बाद जितने ज्यादा नंबर होंगे, समझ जाइए मोर प्रिसाइज है, समझा। और उसी को बोलते हैं स्मॉलर लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट सबसे कम हुआ, क्यों, क्योंकि मिलीमीटर सबसे छोटी वैल्यू होती है, मिलीमीटर सबसे छोटी वैल्यू है। देखिए 1 मीटर, डेसीमीटर, तो डेसीमीटर तक तो बड़ा है, मीटर सबसे बड़ा है, डेसीमीटर छोटा है, फिर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। मीटर सबसे बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा डेसीमीटर है, उससे भी छोटा सेंटीमीटर है। मीटर बड़ा है, डेसीमीटर थोड़ा छोटा है, सेंटीमीटर और छोटा है, मिलीमीटर और छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीस्ट काउंट आ रहा सबसे छोटा आ रहा है। तो याद रखना, डेसिमल के बाद जितने ज्यादा वैल्यू होंगे, 1, 2, 3 वैल्यू है, एक और वैल्यू होता तो 4 हो जाते, तब मिलीमीटर के आगे आपको नीचे जाना पड़ता 10^-4 में, है कि नहीं। उसके बाद फिर -5 में जाना पड़ता, -6 में जाना पड़ता, माइक्रो, नैनो, ऐसा सब निकलता। तो कहने का मतलब जितना कम होता जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्मॉलर लीस्ट काउंट। तो ये हो गया स्मॉलर लीस्ट काउंट। अब आप बताइए स्मॉलर लीस्ट काउंट सबसे कौन है, ये है, तो इसका ये सबसे प्रिसाइज वैल्यू हुआ ना, तो ये मोर प्रिसाइज हुआ। उम्मीद करता हूं सीख चुके होंगे आप, बहुत ही सिंपल है ना, मोर प्रिसीजन, ठीक है। तो मोर प्रिसीजन ये होगा, तो याद रखिएगा सबसे छोटा। तो अब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, मैंने बोला 1.02 एक वैल्यू है, और एक है 1.003 है, और एक है 1.1234 है। अब सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन है, तो आप खुद कह सकते हैं, डेसिमल के 2 ही प्लेस हैं, डेसिमल के 3 प्लेस हैं, डेसिमल के 4 प्लेस हैं, मतलब ये वाला ज्यादा प्रिसाइज है ना। तो लीस्ट काउंट का मतलब डेसिमल के बाद आप कितना और ज्यादा जा रहे हैं, तो वो लीस्ट काउंट छोटा होता जाएगा। इतना समझ में आया, तो देख लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके में समझाया है। ये कन्वर्जन वापस आप रिवाइज कर लीजिएगा, 8th में होता है, 7th में होता है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो जब आप ये कन्वर्जन पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रिसीजन में इतना ही वैल्यू है। अब आप एक और जो डाउट आता है मन में अक्सर, अब आपको लग सकता है कि सर अगर ये ज्यादा प्रिसाइज है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट, नहीं ऐसा नहीं है, प्रिसीजन का एक्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है। कैसे, ये देखिए, मान लीजिए कि 1 मीटर का रॉड है, 1 मीटर का, 1 मीटर का रॉड है, ठीक है। मैंने एक स्टूडेंट को मेजर करने को दे दिया, तो उसके पास जो मशीन थी उसने मेजर कर दिया 0.99। मैंने दूसरे को मेजर करने को दिया, तो उसके पास एक मशीन थी, उसने मेजर किया 0.9273, इतना मेजर कर दिया, मान लीजिए कोई मशीन रही होगी, ठीक है। अब बताइए कौन सबसे एक्यूरेट है, तो यार ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि देखिए 1 मीटर के एकदम करीब 99, मतलब इसमें अगर 1 ऐड किया तो तुरंत ये हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए 1 ऐड किया तो ये तुरंत होगा, नहीं होगा। तो आप ये मत सोचना कि जो ज्यादा प्रिसाइज होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, ऐसा नहीं होता। ये देखिए ये मोर प्रिसाइज है, क्योंकि डेसिमल 1, 2, 3, 4, 5,
मतलब इसका लीस्ट काउंट 5 नंबर तक जा सकता है, इसका लीस्ट काउंट 2 ही नंबर तक जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये कम एक्यूरेट है। उम्मीद करता हूं समझ रहे हैं, पक्का ना? तो देखिए यहां पे 0.99 मीटर, तो दो ही लोग थे, लेकिन एक्यूरेट ये है, वो एक्यूरेट नहीं है। तो याद रखिएगा, एक्यूरेसी में और प्रिसीजन में फर्क होता है। प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है, प्रिसीजन डिपेंड करता है मशीन के लीस्ट काउंट पर कि कौन कितना छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है, ठीक है? और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितने करीब हैं आप ट्रू वैल्यू के। इतना क्लियर हुआ? चलिए, जय हिंद।